मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस बार वोटों का बिखराव होने की वजह से बीएसपी का दलित वोट बैंक भी खिसक रहा है? कोई नहीं, कतई नहीं। एक मुश्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा अभी दिखा दिया है, जैसा कि अभी अभी हमारी पार्टी की नेता ने कहा कि बाबा रामदेव यादव जी ने जिस तरह से, जो उनके वरिष्ठ नेता हैं जिनके पैर श्री नरेंद्र मोदी जी छूते हैं, मंच पर छूते हैं, राजनाथ जी छूते हैं, सभी लोग छूने का काम करते हैं, उन्होंने जिस तरीके से दलितों के ऊपर और दलित बेटियों के ऊपर उन्होंने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका जवाब पूरा दलित समाज अब की बार उनको खाली उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में दे रहा है। चुनाव के बाद क्या होगा? कहीं कांग्रेस के साथ जाएंगे, किसी अलग मोर्चे के साथ जाएंगे? चुनाव के बाद क्या होगा, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार नहीं बनने देना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। ये एक डिसीशन, खुला डिसीशन है बीएसपी का। बाकी चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद।